बड़े दिनों के बाद आज उधर जमीन पर आकर के खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर 22 साल का एक बच्चा जहाँ से ब्रह्म कॉलेज का एडमिशन हुआ था और फिर 17 साल का होकर के इस स्कूल से निकला। लगभग 14 साल का ये सफर इसी स्कूल के साथ बहुत खूबसूरत रहा। बड़े दिनों से सोच रहा था कि स्कूल के किसी प्रोग्राम में आओ। फिर कल शाम में अजय सर और मेरे सर की कॉल आती है, उन्होंने कहा कि स्कूल आना है। हमने कहा बिल्कुल सर जरूर आएंगे। बाहर था मैं, कैसे करके मैं आया हूँ मुझे ही पता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तुमसे बिछड़े, तुमसे मिलने का मन कर रहा था। यहाँ पर आया, एक एक नजारा जो इस स्कूल का एलकेजी से लेकर के ट्वेल्थ तक का रहा, वो आज भी आंखों के अंदर आज भी वो स्कूल है कि यहाँ का जर्रा जर्रा सिर था पाके फिर भी चला आया। यहाँ के जर्रे जर्रे सिर था पाके फिर भी चला आया। बनने के लिए दिलों का मेहमान चला आया। यहाँ के जर्रे जर्रे सिर था पाके चला आया। बनने के लिए दिलों का मेहमान चला आया। कुछ तो थी कशिश आप सबकी मोहब्बत में, कुछ तो थी कशिश मेरे उस्तादों आप सबकी मोहब्बत में। एक आवाज पर थोड़ा यहाँ देख चला आया। और आज एक जो दौर है इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि अभी हम कुछ दिन पहले भोपाल में अपने बैंक ऑडिटोरियम में प्रोग्राम में थे। डॉक्टर कुमार यादव जी वहां पर बैठे हुए थे और अब जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं कुमार साहब भी वहां पर बैठे हुए थे। वहां पर जिस इंटेलिजेंट के स्टूडेंट आ रहे थे मानो मेरे को जैसे ही बता रहा था इस तरीके के इंटेलिजेंट लेवल के बच्चे थे। और जब मैं यहाँ पर 22 साल की उम्र में एडमिशन हुआ, 30 साल की उम्र में, तो यहाँ पर बोलने भी सही से नहीं पड़ता था, लेकिन आज आपके बीच खड़ा होकर के जो बोल रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं से हमारे टीचर खड़े हुए हैं जिनका मेहनत है, उनका आशीर्वाद उसके पीछे है। पूरा श्रेय इसका हमारे टीचर को जाता है कि जब हमने पांच के टुकड़े को इतना सारा था, बहुत से टीचरों से सीखने को मिला कि आज जो बोल रहा हूँ और जो प्राइज यहाँ पर इतने बच्चों को मिले और अभी टेंथ और ट्वेल्थ के जो रिजल्ट है उसमें हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों को शायद जो भी स्कूल है इतने बच्चों एक बार लैपटॉप के लिए सिलेक्ट हुए, इंस्पायर अवर स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुए और 3 या 4 वर्ष की सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब भी लगी। तो ये सारी की सारी हमारी टीचर्स की मेहनत ही है। बहुत कुछ यहाँ से हमने सीखा। एक अरबिक का कोटेशन है, तहज्जुद तहव्वु, अरबिक लैंग्वेज में है तहज्जुद तहव्वु, कि आप अपने जेब से लेते देते रहो एक दूसरे के लिए प्रिय हो जाओगे। बहुत कुछ हमने यहाँ से स्कूल से सीखा। ये बात जो मैं कह रहा हूँ टीचर्स को कहना चाहिए थी, लेकिन सर ने बोला कि बच्चों को जाकर के मोटिवेट कर देना कुछ। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक अपनी जो स्कूल के अंदर इमेज बनाना है वो बिल्कुल बहुत अच्छी बनाना है कि मैं यहाँ से पढ़ा। प्राइमरी टीचर्स हिसाब में यहाँ पर है, मिडिल के भी है, हाई और हायर सेकेंडरी भी के भी है। कभी भी किसी भी टीचर से व्यवहार या गलत व्यवहार नहीं करा। और अब आगे जाकर के जब मैं यहाँ से निकला बहुत आना जाना कहीं ना कहीं खराब देखते हैं कि किसी भी प्रकार की हम जॉब में जाते हैं तो आप स्कूल से सर्टिफिकेट बनता है और फिर उठाने से आकर के वेरीफाई होता है। किसी भी टीचर से या स्टूडेंट से आपस में किसी भी तरीके का गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि आप आगे कहीं भी जाएंगे किसी भी फील्ड में जाएंगे तो इसी कुछ में स्कूल का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। और कई सारी जगहों पर डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल के फील और फाइन होते हैं बहुत सारी जगहों पर। तो किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार टीचर ना करें, क्योंकि आगे आपको लीलों से काम पड़ता है। बहुत कुछ आप लोगों को टीचर और सीखने के लिए मिलता है। बोर्ड एग्जाम भी फरवरी में ही है, फरवरी में ही है, तो अच्छी लगन से सभी लोग पढ़िए, हार्ड वर्क करिए, लेकिन खास में स्मार्ट वर्क भी करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितनी भी मेहनत करें कहीं ना कहीं ब्रह्मचारी दीदी यहाँ पर बैठी हुई है जो ज्यादा ज्यादा जानती है कि लक आपका भी ज्यादा बेहतर निभाता है। क्योंकि हम जैसे थोड़ी देर को बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही देखें तो सारा फैन है बॉलीवुड के, फिर कहा जाता है, लेकिन हमारे 142 करोड़ की जनसंख्या में
कई सारे लोग होंगे जिनके अंदर उनसे कई ज्यादा टैलेंट होगा, लेकिन वो वहां से नहीं निकल पाए, तो कहीं ना कहीं मेहनत भी अच्छी करिए और जो अपनी जहां भी आज जिस भी धर्म से जो भी आता है वो दयालु कृपा विश्वास है उसे भी अपने समाज अच्छे बना कर रखें, क्योंकि भविष्य में कहीं ना कहीं आपका एक इम्पोर्टेंट रोल भी आपका एक बहुत ज्यादा फैक्टर करता है। अपना मेहनत भी अच्छी करें और अपने ईश्वर से जिस भी धर्म में जहां भी आता है वहां उस ईश्वर से अच्छे संबंध बना करके रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को एक शेर के साथ विराम देता हूं कि कसम कैसी भी हो तोड़ कर आता रहूंगा मैं,